अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, बिना आदेश नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय। बिहार में सुशील मोदी ने बताई राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद होने की वजह, राजस्थान का किया जिक्र। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सपाइयों ने निकाली रैली, लोगों को बताई सपा की नीतियां। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में निर्माण थी साइट पर हादसा, दो लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बीजेपी नेता का दावा, मकर शाह चला रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, नहीं होती किसी की सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का कटान हुआ तेज। सिद्धार्थनगर जिले का परशोइया सदानंद गांव, जो कि बलरामपुर बॉर्डर से सटा हुआ है, गांव में बहने वाली राप्ती नदी कटान बड़ी तेजी से कर रही है, जिससे गांव का अस्तित्व खतरे में है। जिसकी सूचना मिलने पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बाढ़ से हो रहे कटान स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा जल्द कटान रोकने का प्रयास करें। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि बरसों से सरकार या प्रशासन द्वारा कटान से बचाव की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्री व विधायक आते हैं, निरीक्षण कर आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य दशकों से नहीं दिखाई दिया है। आने जाने का रास्ता भी सही नहीं है। अरे परेशानी सर जी है, बाढ़ से हम लोग बहुत पीड़ित रहते है, अब पानी भर जाता है और चार गाँव का सिर्फ डूबा रहा है, तकिया परसोहिया डुढ़िया, परेशानी है। सब मंत्री से विधायक सब आवत है, आश्वासन पर आश्वासन देते है, हाँ बन जाए हाँ बन जाए, हर साल हर आदमी डूब कर मरत है, कोई ना कोई देखा सुनत है कि हाँ बस कहा थे भैया बन जाए अगले साल अगले साल। बुजुर्गों कहा थे 60-70 साल से ऐसे परेशानी चला आवत है। हमारा एक गांव परसोइया सदानंद, ये राप्ती नदी के इस पार है बलरामपुर जनपद की ओर, एक अकेला गाँव है, उसके बाद से ये डुढ़िया गाँव शुरू हो जाता है बलरामपुर का। एक सप्ताह पहले गांव के लोगों ने सूचना दी कि नदी की धारा थोड़ी सी गांव की ओर मुड़ रही है, कटान हो रहा है, तो बलरामपुर के जो बाढ़ खंड के साथी अभियंता, उनको हमने कहा था कि तुरंत कोई तात्कालिक उपाय परकुपाइन वगैरह लगाने का करें। तो मुझे सूचना मिली थी कि काम शुरू हो गया, इसलिए आज उस काम का निरीक्षण करने आया था। अभी तात्कालिक समाधान तो हो गया है, कटान जो गाँव की तरफ हो रहा था उसको रोका गया है, लेकिन हमने बाढ़ खंड के सभी अधिकारियों को बुलाया था, सबको निर्देश दिया है कि वहाँ थोड़ी लूप कटिंग हो जाए ताकि नदी की धारा बदल जाए, गांव की ओर जो नदी आ रही उस तरफ ना आए, और एक लॉन्चिंग एप्रन बना करके बोल्डरिंग हो जाएगी गांव के किनारे, तो स्थायी रूप से गांव कटान से बच जाएगा। एक समस्या यहाँ पर है जो बलरामपुर जनपद का इधर उतरौला विधानसभा का ये डुढ़िया गाँव है और उधर फिर परसोइया सदानंद है, इन दोनों गाँव के बीच में जल भराव की समस्या है, उसके कारण सड़क कट गई है। अभी हमारी दूरभाष पर यहाँ के माननीय विधायक जी से बात हुई है, हम दोनों लोग मिलकर के एक संयुक्त प्रस्ताव लखनऊ पहुँचते ही माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि इन दोनों गांव के बीच में दो जगह पुलिया की ज़रूरत है, नई पुलिया बन जाए और जहाँ जहाँ पानी लगता है वहाँ सीसी बन जाए और रोड का पुनर्निर्माण हो जाए, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिरोजाबाद में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 226वीं पुण्यतिथि, ऑल इंडिया धनकर समाज के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाई। आज फिरोजाबाद में ऑल इंडिया धनगर समाज के कार्यकर्ताओं ने श्री मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 226वीं पुण्यतिथि माता की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर बड़े ही धूमधाम से मनाई, जिसमें धनगर समाज के प्रबुद्ध लोगों की संख्या में समाज के युवा वर्ग शामिल हुए। वहीं लोकमाला अहिल्याबाई के त्याग और बलिदान और कुशल नेतृत्व के बारे में बताया गया, जिसमें समाज का युवा वर्ग इस बात को समझ सके कि धनगर समाज क्या है। कार्यक्रम में जेपी भगेल, दयालु श्री भगेल, फोरन सिंह धनगर, बाबूराम धनकर एवं धनगर समाज के लोग उपस्थित रहे। आज ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के तत्वाधान में 8/2021 को माता धनगर वंशी माता अहिल्याबाई होलकर की 226वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी कर एकत्रित होकर दखल पर स्थित मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया और सभी पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण किया। हमारे धनगर समाज की धनगर वंशीय माता अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणा स्रोत और उनके त्याग बलिदान और कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन लेकर हम सब युवा आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि गांव गांव जाकर सभी युवाओं को एकत्रित करें और धनगर समाज के प्रमाण पत्र हेतु आगे बढ़ें।
राष्ट्रीय लोकदल की न्याय यात्रा में दूसरे दिन रालोद नेताओं ने लगातार जोश दिखाया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को राजनीति दलों ने अपने समीकरण के अनुसार राजनीतिक जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है, जिसके चलते कोई राजनीतिक पार्टी जातीय सम्मेलन करती नजर आ रही है तो कोई भाईचारा सम्मेलन के जरिए अपने वोटों का गणित साधने में जुट गई है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना वजूद रखने वाली राष्ट्रीय लोक दल ने भाईचारा सम्मेलन के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा आरंभ की है। ये न्याय यात्रा 7 और 8 अगस्त को सहारनपुर से शुरू होकर 12 और 13 अगस्त को मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई, जिसमें आज दूसरे दिन राष्ट्रीय लोकदल के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया के नेतृत्व में वंचितों दलितों और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। वहीं इस यात्रा में सहरावत पंकज राठी विकास बालियान आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी साहब के निर्देश पर अनुसूचित जाति वर्ग ने जो प्रदेश में अनुसूचित जाति महिला और उनके ऊपर जो प्रदेश सरकार द्वारा अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए पूरे भ्रमण करने के लिए एक न्याय यात्रा के नाम से दलित समाज की पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के लिए हर जनपद में भेजने का काम किया, जिसके तहत आज जनपद कल से हम मुजफ्फरनगर में ऐसे परिवारों में मिल रहे हैं जिनके साथ सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए, जिससे कि उसको राष्ट्रीय लोकदल उन तमाम समस्या को किन किन जनपदों में किन किन दलितों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है जो सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार की तरफ से अनदेखी की जा रही है, उसका एक ज्ञापन हम हर जिला मुख्यालय पर दे रहे हैं। लेकिन आज ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी अधिकारियों की आज़ादी के बाद भी अधिकारियों की मानसिकता जो ब्रिटिश सरकार में अधिकारियों की थी उस तरह की आज भी बनी हुई है। आज अगर ज्ञापन देने उनके दरवाजे के गेट पर दलित समाज खड़ा है तो जिलाधिकारी जी के अभी समझ लिएगा कि आज इस प्रजातंत्र में कितनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या हो रही कि जिलाधिकारी जी को गेट तक बाहर आने में कष्ट हुआ और उन्होंने वो ज्ञापन अपना अपना लेकर अपने नीचे स्तर के अधिकारी को भेजकर वो ज्ञापन लिया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का नहीं हो सकता। ऐसे अधिकारियों का हम घोर निंदा करते हैं जो दलित समाज में आने पर भी उनकी अगर इज्जत कम होती है और उनका अधिकारी का जो बदबू उनके में है, जो घमंड उनमें है, उन ऐसे अधिकारियों की हम घोर निंदा करते हैं। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक ने सदर कोतवाली में एक नई पहल की शुरुआत करते हुए चौपाल लगाकर फरियादों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण करने की शुरुआत की। दरअसल महाराजगंज जनपद के पुलिस कप्तान ने आम जनता की समस्याओं से सीधे रूबरू होकर उसका निराकरण और फरियादी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए आज से जिले में एक नई पहल की शुरुआत करते हुए सदर कोतवाली परिसर में पुलिस चौपाल की शुरुआत की, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुनकर पुलिस टीम को मौके पर भेज जांच और त्वरित कार्रवाई कराई गई। दो घंटे तक चले चौपाल के दौरान वाहनों के साथ पुलिस की 10 टीमें तैनात की गई थी। वहीं पुलिस की इस नई कार्यशैली से फरियादियों में भी आत्मसंतुष्टि और पुलिस के प्रति काफी विश्वास दिखाई दे रहा है। मेरा नाम जयकरण यादव है, मैं ग्राम धन्यवाद से रहने वाला हूं। सर 2006 का मैं बैनामा लिया हूं मुड़ेरा कलाम में सर मोती पुत्र चंद्रदेव से, और सर 2017 से उनकी पुत्र वधु ज्ञानती देवी मुझे आए दिन सर परेशान करती थी। 3 साल से तकरीबन सर 3 या 4 5 6 मुकदमाएं सर मतलब उसके खिलाफ लिखा भी गया है। आज हमको पता चला है कि कोतवाली परिषद में चौपाल लगा है और हम इस चौपाल में आए हैं। यहाँ माननीय श्री पुलिस अधीक्षक जी बैठे थे और हम उनसे अपनी पूरी बात बताए हैं, वो तुरंत फोर्स भेजे हैं और मैं भी स्वयं गया हूँ मुड़ेरा कलाम में, और मैं वहाँ गया, वहाँ से ज्ञानती जो मेरे विपक्षी है ज्ञानती को लेकर के हम लोग आए हैं, पुलिस विभाग लेकर के आए हैं और सर अपनी पूरी बात रखे हैं। कप्तान साहब मतलब पूरा आश्वासन दिए हैं, समझाए भी हैं और मुझे उम्मीद है कि यहीं पर विवाद समाप्त हो जाएगा। संतुष्ट हैं इस तरह के चौपाल से, क्या लगता है? जी सर हम संतुष्ट हैं, हम कोतवाल जो हैं इस पुलिस अधीक्षक साहब के जिससे हमें संतुष्ट हूँ। जनता की समस्याओं को त्वरित निस्तारित करने के उद्देश्य से ये चौपाल पुलिस चौपाल लगाया गया था कोतवाली में, और इसमें 10 टीमें हम लोगों ने बनाई थी कि आवश्यकता पड़े तो मौके पर तत्काल भेजा जाए। इसमें अब तक 22 प्रार्थना पत्र आए हैं
कई तरह के प्रार्थना पत्र हैं, कुछ विवेचनाओं के संबंध में थे तो तत्काल विवेचना को निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। एक पति पत्नी का विवाद आया जिनकी काउंसलिंग हो रही है। इस प्रकार कुछ भूमि संबंधी विवाद आए हैं तीन, जिनको कल समाधान दिवस है उसमें रखा जाएगा। जितने भी प्रकार के विवाद आए हैं कई पार्टियां तत्काल मौके पर भेजी गई हैं। एक आज FIR के मामले आए थे, उनको FIR करने के लिए बोला गया है। तो एक बड़ा उपयोगी एक रहा है हम लोगों का प्रयास, और इस प्रयास को हम लोग आगे भी अन्य थानों पर भी जारी रखेंगे। कई पुलिस कर्मियों के भी खिलाफ शिकायत आई है, जिन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायत आई है उनको तत्काल लाइन में स्थानांतरित किया गया है, उनके विरुद्ध जांच का आदेश दिया गया। सर कितने मामलों का निस्तारण किया गया? ADG जोन अविनाश चंद्र ने पैदल मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बरेली पैदल मार्च में ADG, IG, SSP सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल 15 अगस्त को लेकर बरेली में सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले ADG जोन। संवेदनशील इलाकों पर बरेली पुलिस की पैनी नजर। शहर कोतवाली क्षेत्र में त्योहारों के मद्देनजर देखते ही शहर के ADG अविनाश चंद्र, IG रमित शर्मा, शहर कोतवाल पंकज, RAFT के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च रक्षाबंधन 15 अगस्त को लेकर घनी घनी आबादी व बाजार रोडवेज जंक्शन में निकाला गया है। ये फ्लैग मार्च कोतवाली, घंटाघर, बांस मंडी, शामतगंज, कोहरापीर शहर भर में अधिकारियों ने पैदल गश्त की, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज पैदल गश्त का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है स्वतंत्रता दिवस, इस परिप्रेक्ष्य में अलर्टनेस बरतने के लिए और जनता में एक सुरक्षा की भावना का संचार होने के लिए पैदल गश्त की व्यवस्था की जा रही है। करीब एक घंटे तक हम लोग पैदल गश्त करेंगे। वैसे तो डेली SPCP और SSP साहब और CO के नेतृत्व में डेली पैदल गश्त होती है, लेकिन आज हम और IG रेंज बरेली दोनों के साथ में पैदल गश्त। सर 15 अगस्त पर संवेदनशील इलाकों पर केस? सब जगह होटल में, ढाबों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अन्य सेंसिटिव स्पॉट्स पर चेकिंग की जा रही है। जितने भी शहर में CCTV लगे हुए हैं उनकी टेस्टिंग करवाई जा रही है, चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं पर खराब है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, उसको रिन्यू किया जा रहा है और उसको रिपेयर करवाया जा रहा है, और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है, जिससे जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व सफल हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।